आज खाद्य सुरक्षा विभाग राजनांद गांव एवं नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने नगर के कई होटलों में जाकर खाद्य सामग्री की जांच की। होली को ध्यान में रखते हुए जिला खाद्य अधिकारी डोमेंद्र ध्रुव और नगर पंचायत सीएमओ भूपेश सिंह ने होटलों में बनी मिठाइयों एवं अन्य खाद्य सामग्रियों में केमिकल की जाँच की। मोबाइल वैन में जाँच के दौरान डोंगरगांव नगर में योगेश डोसा, गौतम होटल, दुर्गा होटल, राहुल स्वीट्स एवं अन्य पर छापेमारी कर किट से मिठाई की जांच की गई। कुछ होटल में मिठाई का सैंपल फेल आया, जिसे प्रथम सूचना देकर चालान काटा गया। सर, आज जो कार्रवाई कर रहे हैं सर, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। जैसे कि जनरली आप सभी जानते हैं कि त्योहारी सीजन आते ही एक जो शिकायत जो हमेशा सबके सामने आ जाती है कि मिलावटी मिठाई, मिलावटी खोआ, मावा जो है मार्केट में आ रही है, और कोई इस पे लोगों के स्वास्थ्य का बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। बस इसी कि जन जागरूकता के लिए और स्पॉट पे टेस्टिंग के लिए मोबाइल फूड लैब है हमारा, उसे स्पॉट पे ये टेस्ट किया जा रहा है, जो बेसिक प्राइमरी टेस्ट होते हैं, ताकि इस पे अवेयरनेस फैलाई जा सके लोगों को। डोंगरगांव में आज औचक निरीक्षण के दौरान आज जो टीम है उसमें नगर पंचायत है और खाद्य मौजदी प्रशासन की टीम है, जिला प्रशासन की टीम के मार्गदर्शन में ये हो रहा है। आज अभी तक के करीबन 5 जगह पर हमने विजिट किए हैं, और भी फर्म है यहाँ पर जहाँ पर मिठाई, खोवा और दुनिया भर की चीज़ें जो लगता है त्यौहार में, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। सर, होटल मालिकों को कुछ निर्देश दिया? होटल मालिकों को निर्देश दिया गया है, उनके तरफ से ये कहना है कि ज़्यादातर जो मुझे अव्यवस्थाएँ देखने को जो मिली है, तो उनको कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पैकेजिंग लेबलिंग जो है वो प्रॉपर चेक कर लें, वेरीफाइड वेंडर से ही सामान लें जो लाइसेंसी हैं, जिनकी पहचान की जा सके, और अपने स्तर पे भी सामग्रियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित कर लें बेचने से पहले।